टीटी पी इज नॉट समथिंग जिसको वो शायद विलिंगली सपोर्ट कर रहे हो ठीक है मतलब इट्स अ काइंड ऑफ भाई है जिसको चाहते नहीं है बट भाई है भाई है तो क्या? है? और इट्स अ काइंड ऑफ एसेट जिसको किस वक्त भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली डू यू थिंक वो कर सकते हैं लाइक बिकॉज वो पहले अर... बताया कि अभी उन्होंने उसके ऊपर क्लैम डाउन करना शुरू किया टीटी पी के लोग काफी नाराज हैं उनसे ये मेरी ये फैक्चुअल रिपोर्ट है और दो हज़ार बंदे जो उन्होंने पीछे भेजने की बात की है तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को भी भेजेंगे वो आ, तो उस पर टी टी पी इज़ नॉट हैप्पी ऑब्वियसली टी टी पी चाहती है कि भाई हम इसके ऊपर करें फिर टी टी पी जो है बकायदा बकायदा खुद एक मेलगमेशन है बहुत सारे ग्रुप्स का सो so, इस फर्स्ट फैसले की वजह से उनके ग्रुप्स में भी अब फूट पड़ना शुरू हो गया सो देर इज़ वन ग्रुप लश्कर इस्लाम जो कि खैबर एजेंसी का है बड़ा मशहूर वो इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि हम पाकिस्तानी स्टेट के आगे सरेंडर कर दें ये भी एक फैक्ट है ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ तो उस पर यानी हमने भी बात की कुछ मकतदर हलकों को भी हमने भेजा मैसेज कि भाई ये एक अपॉरचुनिटी है यू शुड यू you नो know, अवेल इट क्यों क्योंकि अफगानिस्तान में उनके जो लोग हैं वो मारे गए हैं इन दोज आपेशनस और उनके लोगों के असले पकड़े गए हैं सारा कुछ हुआ है तो वो अब बिल्कुल उनकी बस हो गई है तो कह रहे हैं कि हम तो भाई इधर आए थे कि हम इस्लामिक स्टेट में जा रहे हैं इमारत में और उधर से हम जहाज वेज करेंगे तो ये तो नहीं हो रहा तो वी वी वॉन्ट टू सरेंडर सो पाकिस्तान शुड टेक दिस अपरचुनिटी और उनसे निगोसिएट करे तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ग्राउंड पे अब वो कितनी सक्सेसफुल होती हैं कितनी नहीं होती कितना पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है कितना तालिबान उसमें सपोर्ट करते हैं तो तो आने वाला वक्त बताएगा बट दिस इज़ समथिंग जो कि एक साल के काइंड ऑफ स्टेल के बाद थोड़ी सी हिलजुल दोबारा होना शुरू